बच्चों पूर्व की हिंदी की कक्षा में हम जान रहे थे कक्षा सातवीं की पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नों के उत्तर अर्थात पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं हम आगे के प्रश्नों की ओर प्रश्न तीन भाव स्पष्ट कीजिए या तो छिद मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर चलिए हम जानते हैं इन पंक्तियों के भाव को प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षी आकाश में लंबी उड़ान भरने के लिए उत्सुक रहते हैं वे सदैव दोनों स्थितियों को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं या तो वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं अर्थात क्षितिज तक जा पहुंचते हैं या उड़ते उड़ते सांस फूल जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है आइए अब चलते हैं भाषा की बात की ओर तो भाषा की बात में प्रश्न एक है पहला प्रश्न स्वर्ण श्रंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है कविता में ढूंढकर इस प्रकार के तीन उदाहरण लिखिए उत्तर इस प्रकार के तीन उदाहरण निम्नलिखित है पहला उन्मुक्त गगन दूसरा पुलकित पंख और तीसरा कनक कटोरी भाषा की बात का प्रश्न दो भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है जैसे भूखे प्यासे अर्थात भूखे और प्यासे इसी प्रकार के दस अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए उत्तर इस प्रकार के दस उदाहरण निम्नलिखित हैं पहला माता पिता अर्थात माता और पिता दूसरा भाई बहन अर्थात भाई और बहन तीसरा अच्छा बुरा यानी अच्छा और बुरा चौथा पाप पुण्य अर्थात पाप और पुण्य पांचवा हानि लाभ अर्थात हानि और लाभ छठा जीवन मरण अर्थात जीवन और मरण सातवा रात दिन यानी रात और दिन आठवां सच्चा झूठा अर्थात सच्चा और झूठा नवा यश अपयश यानी यश और अपयश दसवां फूल पौधे अर्थात फूल और पौधे बच्चों आज की कक्षा में इन्हीं प्रश्नों के साथ पार्ट एक की पूर्णतः समाप्ति हुई धन्यवाद